हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब बड़े मजे में होंगे। तो हैप्पी विंटर्स, स्पेशली जो लोग गर्मी वाले इलाके में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर और अच्छा सा मौसम हो गया होगा। लेकिन हम लोगों के लिए अब चीजें गलने लग गई हैं। अभी धूप तेज है तो आप ऐसे रह सकते हो, अदरवाइज आपको स्वेटर शॉल चाहिए, रात में ब्लैंकेट चाहिए और पानी रात तक तो अभी पाइपें गर्म हो रखी होंगी क्योंकि धूप तेज होती है ना, तो उसमें से थोड़ा सा वार्म सा वाटर आता है और पाइपों का कनेक्शन जो भी होता है बहुत लंबे दूरी तक होता है ना, तो काफी देर तक थोड़ा सा पानी आ जाता है वार्म सा, जिससे आप थोड़ा सा कुछ एक दो बर्तन तो धुल ही सकते हो। प्रॉब्लम होती है स्पेशली उन एरियाज में जहां पे स्नो पड़ती है, जहां स्नो पड़ती है उनको कम से कम एक दो महीने पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर देना पड़ता है क्योंकि उनको लकड़ियां इकट्ठी करनी होती है। हरे पेड़ को यहां कोई टच नहीं करता, यहां लोग बहुत जिम्मेदार हैं। सूखी लकड़ियां जो गिरी होती हैं, चीड़ के पत्ते हो गए, चीड़ के फल हो गए, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी नॉलेज लोकल लोगों को होती है तो वो इकट्ठा करके रख लेते हैं। खाने पीने का सामान, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव है ना जहां पे पगडंडी जैसा रास्ता होता है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती तो वहां पे लोग पैदल ही जाते आते हैं, तो दूर होता है मार्केट, तो बहुत पहले से धीरे धीरे करके वो दो तीन महीने के लिए अपना एक खाने का स्टोरेज कर लेते हैं। और ये जो लकड़ियां स्टोर करते हैं ना, इसी से ही कुकिंग होती है क्योंकि ना जब स्नो पड़ जाती है ना तो लाइट नहीं आती, यही एक जरिया होता है जिसके थ्रू आप घर को गर्म कर पाते हो, अपने लिए पानी गर्म करते हो। तो दो तीन महीने के लिए घर में सिकुड़ के रहना पड़ता है और इन्हीं लकड़ियों का सहारा होता है, और जो आपने अनाज रखे है ना घर में उसको बस पकाओ खाओ। स्पेशली ये उन एरियाज की बात है जहां स्नो पड़ती है और काफी टाइम तक रहती है। बाकी जो लोग मार्केट में हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई विश कि इस बार हमारे यहां स्नो पड़ जाए। आसान नहीं है बताए, गर्मियों में प्रॉब्लम क्या होती है कि पानी की, एक दो महीने प्रॉब्लम होती है जब पानी आपको बहुत ही कभी 10 दिन पे कभी 7 डेज पे ऐसे मिलता है, तब लोगों को पानी चाहिए होता है। लेकिन सर्दियों में हर 2 दिन के बाद पानी आ जाता है, हर 1 दिन के बाद पानी आ जाता है, लेकिन पानी किसी को नहीं चाहता, चाहिए होता है। आजकल बहुत सारे लोगों के मैंने टैंक देखे कि ओवरफ्लो हो जाते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी जाके बंद करो, ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है सर्दियों में, गर्मियों में तो थोड़ी दिक्कत होती है और स्पेशली बारिश के टाइम में भी हो जाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना तो जो पानी जहां पे स्टोर होता है ना, जहां पे कलेक्शन होता है, वो सारा मडी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो जब वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाता तब भी पानी की प्रॉब्लम होती है। पिछली बार लगातार 10 दिन तक पानी नहीं आया था, और लेकिन हमारे जो वाटर टैंक है ना वहां पे थोड़ा सा होल है और वो थोड़ा सा बीच में ऐसे सीमेंट का बना हुआ ऊपर कवर किया हुआ, तो वहां पे बारिश का पानी लगातार उसके अंदर जा रहा था, तो हमें पानी की कोई कमी नहीं हुई थी, पीने का तो लाना पड़ा था। खैर एनीवेज, एंजॉय योर डे, बाय बाय।